गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट सबको आ जाइए, हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है वही सेम क्वेश्चन डिस्कशन राउंड होगा, एंड आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन सेशन राउंड को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही प्रिसाइज छोटा सा सेशन होगा, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो फटाफट सबको आ जाओ, गुड आफ्टरनून है यहाँ सुनना, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सबको आ जाओ फटाफट। चलिए ओके ओके। जल्दी से आ जाओ बच्चों, कहाँ हो सब? ठीक है, फटाफट आ जाओ, जल्दी से सब आ जाओ। देखते हैं सबको आ जाते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, मैं बढ़िया हूँ सूरज। अच्छा सूरज, कल आप फेसबुक पे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कोई बात है क्या, बात नहीं कर रहे हो, बोलो क्या बात है भाई, बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी इस तरीके की बात अगर आपको लगे सूरज, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का जो सेशन है ये बेसिकली गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, ये CHSL 2020 के लिए क्वेश्चंस, इसमें आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को डील आउट करेंगे और देखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी इस सेशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आज शाम में 7 बजे भी आपकी मेरी ही क्लास है, जो कल का क्लास हमने कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से पोस्टपोन किया था, तो अभी हम लोग इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, 7 बजे। अरे नहीं 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 ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है सूरज, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पर क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट सबको आगे चलो। अब आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और आज के सेशन में कुछ ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो दैट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर्स फिगर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है, और इस नंबर एनालॉगी में आपको सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बताना है कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, CHSL लेवल के लिए क्वेश्चन है आज, एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो देखेंगे हम लोग क्या सीन है इसका, कितना क्वेश्चन, कितना इसका आंसर बन सकता है। ओके, चलिए फटाफट आ जाइए सर, जल्दी जल्दी आंसर बता दो बेटा। और हाँ, सबका आंसर सी आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि 130 से 154 तक जाने में, 130 से 154 तक जाने में आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस मुझे साफ नजर आ रहा है 24 का है। यस नो, डिफरेंस यहाँ पर साफ 24 का आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 178 में हम 24 को ऐड कर देंगे, तो 178 प्लस 24 करने पर हमारा आंसर आता है 202, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आगे बढ़िएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा, देखो जरा। अगेन यहां पर आप देख सकते हो सेम अगेन नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्लास हमने अल्फाबेट एनालॉजी देखा था, आज आप देख सकते हो नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। 60 का रिलेशन 36 से है, तो 100 का रिलेशन किससे होगा? अगेन नंबर एनालॉजी है ना, संख्या सादृश्यता से प्रश्न है। 60 का संबंध 36 से है, तो 100 का संबंध किससे होगा? 60 का संबंध अगर 36 से है तो 100 का संबंध किससे होगा? बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो बेटा क्या होगा। ओके, ए आ रहा है विद्युत, विद्युत ए आंसर आ रहा है। सबका क्या आ रहा है देखो जरा, देखो यहां पर आपको एक कॉमन सा सेंस लगाना है कि 60 का 36 से क्या रिलेशन हो सकता है। 6 को हम 36 से रिलेट कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि अगर मैं 60 को डिवाइड बाई 10 कर दूं तो हमारे पास होगा 6, है ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो उसी प्रकार अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड कर दूं तो आता है हमारा 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि पहला नंबर ऑप्शन है। बिल्कुल सही आंसर आया सबका। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टैडपोल इज इक्वल टू फ्रॉग। ठीक है, टैडपोल का संबंध फ्रॉग से है,
यानी फ्रॉग के बच्चे यानी मेंढक का जो बच्चा होता है मेंढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, टेडपोल, मेंढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। तो लेवर्ट किसके बच्चे को बोलते हैं, लेवर्ट अगर हम बोलते हैं हिंदी में भी इसे लेवर्ट ही कहेंगे, क्या कहेंगे, लेवर्ट, लेवर्ट किसके बच्चे को कहते हैं, लेवर्ट कहा जाता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका फटाफट, लेवर्ट कहते हैं बेटा खरगोश के बच्चों को, ठीक है, लेवर्ट, सी हेयर, ठीक है, हेयर खरगोश, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जंगली खरगोश हेयर, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या आंसर होगा, ये अगेन आपका लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, लेटर एनालॉजी बोलो या लेटर कोडिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप इस प्रकार पढ़ सकते हो कि पी जेड डब्ल्यू क्यू का संबंध एन एस ओ क्यू ओ यू से है तो एफ आई एस के का संबंध किससे होगा, एफ आई एस, ठीक है, या चलेगा सूरज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसका संबंध अगर इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है, डी जी क्यू आई, नेहा, देखते हैं नेहा क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर फोर का, बहुत सिंपल सा है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस को सर्च कर लोगे, है ना, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस, न्यूनतम अंतर को जांच करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो पी जेड क्यू डब्ल्यू, इसका आपका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16, 26, 17 और 23, अगर इन सब में आप एन एक्स ओ यू इसमें आप देखोगे माइनस टू कर दोगे तो 14 आएगा, 26 में माइनस दो करोगे तो 24 आएगा, 17 में माइनस दो करोगे तो 15 आएगा, 23 में माइनस दो करोगे तो 21 आएगा, देख रहे हो सब में हमने दो 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 घटा दिया तो हमारा आंसर आ रहा है, तो फिस्क में भी यही काम करेंगे। अब मैंने कहा था ना आपको अगर ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यूज अच्छे से याद हैं तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, ठीक है, ओके, तो क्या करना है, 6 में से 2 चला गया, 6 में से 2 चला गया क्या बेटा 4, 9 में से 2 चला गया 7, 19 में से 2 चला गया 17 और 11 में से 2 चला गया 9, तो 9 किसके लिए, आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जी क्यू आई, डी जी क्यू आई, डी जी क्यू आई, ठीक है, डी जी क्यू आई, तो आंसर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, जल्दी से आपको अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर नहीं आया है, होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर जी जल्दी से आंसर निकालिएगा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है अभी हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन जो है, 5, 6, 7, 8, 9 पांच क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे इससे क्लासिफिकेशन से, ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण का ये क्वेश्चन है, ठीक है, वर्गीकरण से है। गुड आफ्टरनून प्रदीप, ठीक है, नाइस टू सी यू। अब यहां पर देख सकते हो नॉर्मल वर्गीकरण का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यहां पर आपसे आपको चार दिया गया है, ठीक है, इन चार में से आपको बताना है कि वो अलग कौन सा है, ठीक है, चार में से आपको बताना है कि वो अलग कौन सा है। अविनाश कुमार सिंह, आपका आंसर ए आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, देखो सबसे पहला क्या दिया है, वाई जी एल एच टी, ठीक है, अब क्या है नहीं है उसको छोड़ दो, क्या वैल्यू है नहीं है, अगर मैं इसे एक झलक में अलग करने की कोशिश करूं, सबका आंसर शायद बी आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक झलक में अलग करने की कोशिश अगर करोगे तो आप अगर ध्यान से देखो तो एम एक्स आई डी वी में, एम एक्स आई डी वी में, एम एक्स आई डी वी तीसरा अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर है, तीसरा अक्षर जो है वो क्या है, स्मॉल लेटर है, और ए यू जी पी जेड में जी जो है वो तीसरा लेटर है अगेन जो कि स्मॉल लेटर में है, एफ ई के एफ ई सी ओ ई भी जो है वो तीसरा लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन है उसमें आप देखोगे स्मॉल लेटर एच जो है वो चौथे पोजीशन पर है, इसी से हमारा आंसर कंफर्म हो जा रहा है क्या कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है, ओके, तो इसी से अपना कंफर्म आंसर हो जा रहा है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ मुझे, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है,
इस क्वेश्चन में लोगों को काफी तकलीफ होती है। ठीक है, कल वाले सेशन में बेटा हमने कुछ सेक्शंस देख लिया। ओके जी सुब्रता मंडल बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सुब्रता बोलिए, क्या बात है, क्या क्वेश्चन क्या है आपका, पूछिए। ये वाले क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे बनेगा। ए, विकास ने कहा ए। ओके देखते हैं विकास। डी होगा, अविनाश डी कैसे होगा, नेहा डी कैसे होगा? विकास ने कहा ए, आरती ने भी कहा ए, और नेहा ने कहा डी, अविनाश ने कहा डी, तो डी आ रहा है तो कैसे होगा? हाँ हाँ सुब्रता, आप मुझे ना व्हाट्सएप नंबर पे एक बार टेक्स्ट कर देना, आपको सारे नोटिफिकेशंस दूंगा। ठीक है, आप नंबर मेरा सेव कर लो, 8877123059। ठीक है, 8877123059। ठीक है, ओके। डबल माइनस टू आ रहा है, माइनस वन हो रहा है। ठीक है, ओके लो निवास देखो अच्छे से, इंटू टू माइनस टू हो रहा है। ओके अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में दो तरह के लॉजिक्स बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में दो तरह के लॉजिक्स बताऊंगा। ये ए क्यों आ रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लिख लो सुब्रता मंडल, लिख लो 8877123059। ठीक है, 8877123059। ठीक है, पूरे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं सबको मेरा नंबर याद हो गया होगा, लेकिन मैं भी हो गया हूँ, मैंने नंबर में कॉल को डीएक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, चलो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना इस पे। देखो मैं इसमें दोनों लॉजिक्स आपको बताता हूँ। एक झलक में जब इस क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं ना एग्जाम में, तो हमें बच्चों की एक आदत होती है। ठीक है, बच्चों की एक आदत होती है, बच्चों की आदत क्या होती है कि हम क्वेश्चन का दिया गया डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ओके ओके मोदी जी को भी याद है, ओके चलो अब मैं जो बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में जरा समझना। ठीक है, आप क्या गलती करते हो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। ठीक है, जब हम डायरेक्शंस नहीं देखते हैं, जब हम क्वेश्चन की डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, तो जब डायरेक्शन बिना देखे बनाते हैं तो क्या होता है उसे देखो। हम सीधा यहाँ बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, तो हम माइनस कर देते हैं। अब आप देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 20। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 23, है ना, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 23। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो आपका डिफरेंस आ रहा है 35 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 37, 72 का, 35 का, 33 और 65 में डिफरेंस कितने का आ रहा है 32 का। ठीक है, अभी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसको समझ, सब क्या करते हैं कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं बिना इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के पढ़े। सर एक बार पीछे पीछे लास्ट क्वेश्चन करिएगा। इस क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन दिया था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द ऑड वर्ड्स लेटर और नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें ऑड वन फाइंड करना था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने देखा कि 20, 23, 35, 32 हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इन सभी नंबर्स के दो से अधिक फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम 23 की बात करें तो 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है ना, 23 एक प्राइम नंबर। इसमें दिमाग लगा सकते हो आप ऐसा कि हाँ सर ये लॉजिक गलत कहां, ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं, 23 जो है वो क्या हो रहा है, प्राइम नंबर हो जा रहा है। अब ये 23 प्राइम नंबर है तो किसी ने सोचा होगा कि हाँ भाई बी ऑप्शन को भी हम टिक आउट कर लेते हैं, नमस्ते नमस्ते बिल्कुल। ठीक है, लेकिन 23 प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का सिंबल नहीं था, ये रिलेशन का सिंबल था। ठीक है, ये रिलेशन का सिंबल था, है नहीं, यहाँ पर रिलेशन का सिंबल था। अब रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन देखने में क्या रहता है, 22 और 42 का अब दोगुना के आसपास है, तो 22 गुना 2 करने पर 44 आता है, 44 माइनस 2 करने पर 42 आता है, आता है या नहीं आता है? वही काम कर रहे हैं। इसमें देखो तो 25
गुना दो करने पर 50 आता है और 50 माइनस दो करने पर 48 आता है। यानी हम इन दोनों नंबर को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से संबंध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो संबंध निकालने के मैटर में ये बात दोनों, ये ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब तीसरा क्या है, 37 और 72, फिर से वही कंडीशन आ रहा है, 37 गुना दो करने पर 74 होता है, 74 माइनस दो करने पर हमारा 72 आ जाता है। यानी तीसरे वाले में भी वो कंडीशन आ रहा है, लेकिन चौथे वाले में 33 गुना दो 33 × 2 करने पर 66 यानी 66 आता है और माइनस 2 करने पर 64 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आंसर 65 है। तो ऑप्शन हमारा अलग कौन सा है? ये ऑप्शन अलग जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर डी ऑप्शन को ही मैंने क्यों सही किया, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया था कि ऑड पेयर क्या होगा। तो ऑड बात करूं तो कोरिलेशन जो मैंने कहा, कोरिलेट करके देखने की बात जो मैंने कही, कोरिलेशन के आधार पर ये अलग हो जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को देखो ध्यान से बनाओ। जल्दी से यहां पर देखो, 10 और 24, 961, 729, 539, कुछ नंबर्स जाने पहचाने से लग रहे हैं आपको, नंबर यहां पर जाने पहचाने से लग रहे हैं, ठीक है। 10 और 24 की क्या विशेषता है, 961 की क्या विशेषता है और 729 की क्या विशेषता है? इन तीनों नंबर को अगर आप देखोगे तो ये कोई ना कोई परफेक्ट क्यूब है, ये कोई ना कोई जो है परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर जैसा लग रहा है। मतलब ये वो संख्याएं हैं जिनको हम पहचानते हैं, ये जाने पहचाने सी संख्या है। लेकिन यहां पर 539 ये किसी प्रकार से भी जानी पहचानी संख्या नहीं है, ये किसी प्रकार से भी जानी पहचानी संख्या नहीं है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तीन गलत हो जाएगा। ओके ओके, मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। जल्दी से इसे बनाओ। क्या आंसर इसका, डी आ रहा है, टेलीस्कोप, डी टेलीस्कोप। किसका डी आया भाई, सबका बी आ रहा है। बी में क्या है, बाइनोकुलर, बी में क्या है, बाइनोकुलर। किसी का ए आ रहा है, देख रहे हो कितना ए होगा सर। ओके देखते हैं क्या श्योरिटी हो सकती है, बेटा देखते हैं, ठीक है, श्योरिटी क्या हो सकती है उसे देखते हैं, ठीक है। बी ए, देखो सब कोई कंफ्यूज हो इसमें कि एग्जैक्ट आंसर को, टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने की एक वस्तु होती है। टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीजों को देखने की वस्तु होती है ना। उसके बाद मतलब जो दूर में छोटा दिख रहा है उसे हम बड़ा करके देखते हैं, दूर वाले छोटे चीज को हम बड़ा करके देखते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस को बड़ा करके हम देखते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। बाइनोकुलर, अगेन दूर की चीज हमें पास नजर आती है, दूर की छोटी चीज हमें बड़ी नजर आती है। अगेन क्या होगा, ये डी, ये सी, ये बी, ये तीनों एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। सर जी हर में लेंस रहता है, मान लिया। सेथोस्कोप में कौन सा लेंस रहता है बालमुकुंद, सेथोस्कोप में आला समझते हो, आला जो डॉक्टर साहब यहां पर दिल पर लगा करके आपकी धड़कन देखते हैं, ठीक है, आला समझते हो ना, जिसको हम लोग सेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ओके, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब सेथोस्कोप की बात करेंगे तो सेथोस्कोप अलग हो जाता है। तो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेथोस्कोप में लेंस नहीं होता। अच्छा वही कह रहे हो बालमुकुंद, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से देखो, मेरा फोन देखिए,
ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से बेटा, क्या होना चाहिए आंसर इसका, इसका आंसर देखो जल्दी से। डी 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 नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहां पर क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड। लीवर क्या है, लीवर भी एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी ऑर्गन एक ऑर्गन है, थायराइड, ये सब जो भी है, एक दो तीन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये ऑर्गन के सेक्शन में आता है। क्या है, एक हड्डी का हिस्सा है ना, गले के पास जो हड्डी होती है उसका एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रकिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रकिया कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए बेटा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। समझ में आ गया सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, स्टर की तरफ दिया, चलो देखिएगा इसको। अगेन ये क्या है, लेटर एनालॉजी का सेक्शन है ना बेटा, ये लेटर एनालॉजी का सेक्शन है, और लेटर एनालॉजी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। लेटर एनालॉजी में क्या है, ए बी एक्स, यहां पर क्या बोला है, A series is given with one or two terms missing. Choose the correct alternative from the given one. ये दिया तो है series के section में, लेकिन प्रश्न किसका है? Letter analogy का है, ठीक है? ये प्रश्न किसका है? Letter analogy का है। तो आप simple simple terms में समझ सकते हो कि A B C is to Z Y X, तो C B A is to क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखो, A का opposite क्या है? Z है, B का opposite Y है, C का opposite X है या नहीं? ये तीनों इसके opposite हैं, तो C का opposite क्या होना चाहिए? X, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि CHSL के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से X, Y, Z आपका ऑप्शन नंबर D में है, तो आंसर आपका कंफर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी देखो, एकदम फटाक से आंसर करो, देखते कितना जल्दी कर सकते हो, फटाफट आंसर करो। 7:42 है तो 9:2 क्या होगा, 7:42 है तो 9:2 क्या होगा, फटाफट देखो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको एक बात, देखो बहुत सारे छात्रों ने एक काम किया होगा, सर 7×6=7642 होता है सर, 7×6=42 होता है, तो सर हम 9×6 कर देंगे, तो 9×6 तो 54 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में बेटा क्या करोगे, सोच के बताओ मुझे, इस कंडीशन में फिर आप रिलेट करोगे, सात को हमने किससे डिनोट किया, सात के प्रीसीडिंग नंबर से, सात के ठीक पहले जो संख्या थी उससे हमने इसे गुना किया, तो 9 के ठीक पहले जो संख्या है वो कौन है, 8 है, तो 9 8 कितना होगा, 9×8=72। तो और ऑप्शन में आप देख सकते हो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 72 दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं इस तरीके से, तो सोचने का लॉजिक डेवलप अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन में हम कहीं पर फंसेंगे नहीं। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि हमारा आंसर अगर कुछ और आने लग जाता है तो हम डर जाते हैं, डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहां पर आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के क्रम में आपको अक्षरों वर्णमाला के क्रम में किस प्रकार
ये सभी के सभी शब्द याद करो बेटा। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि डिक्शनरी में चौथा शब्द कौन सा आएगा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस जो श्रृंखला है वही दे दिया गया है, और आपको बताना है कि आखिरकार हम कौन से किस तरीके से हम इसमें श्रृंखला को बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। नहीं करोगे, क्या दिया हुआ है? फिश, फैन, फ्लैश, फेस, फ्रॉग, ठीक है, सबका आंसर सी, ए, ए सी। चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला तो सब में एफ 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 एफ, इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो लेटर है हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा लेटर है आई ए आई ए एल ई आर, हमारा सेकेंड लेटर से ही पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए। ए किसमें है, दो नंबर में। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में दो है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर टू में है। अब फोर फोर दोनों में कॉमन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो वन और थ्री, अब ए के बाद आएगा ए ई आएगा, तो ई किसमें है, ई किसमें है, देखो ए, देखो पहला तो हो गया ना कि टू टू से शुरुआत हो रही है, देखो ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो ये बात तो श्योर ना कि आई ए एल ई ए में ए कहां है, दूसरे पोजीशन पर। दूसरे पोजीशन की बात करें, दूसरे पोजीशन पर ए किसमें है, फैन में है। तो ये बात तो तय है कि जिस ऑप्शन में टू से शुरू हो रहा है उसे हम शुरुआत करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ए का काम हो चुका है, ए के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा अपना ए ई। ई कहां है, ई किसमें है, चौथे वाले में। टू के बाद फोर किसमें है, टू के बाद फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी है। ए ई हो गया, ई के बाद आई देखो, आई किसमें है, आई अगर आप देखोगे ए ई एफ आई, तो तीसरा कौन आ रहा, वन, तो किसमें वन है, इसमें है, ऑप्शन नंबर वन में। तो आंसर हमारा कंफर्म किसमें है, ए में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सी नहीं होगा अमित कुमार, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ये लास्ट क्लास हमने जो देखा था उसमें एक्स वाई जेड करके अल्फाबेट सीरीज हमने दिया था आपको, यहां पर नंबर सीरीज है, क्या है, नंबर सीरीज है, और आपको बताना है कि नंबर सीरीज में ब्लैंक स्पेस पे क्या पुट करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में उसे अरेंज करना था सुब्रत, ठीक है सुब्रता, इसे हम लोगों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना था, कोई बहुत ये नहीं थी, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थी। इसको देखो, इसमें आपको ब्लैंक स्पेसेस में नंबर्स भरने हैं, देखो यहां यहां ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, क्या है जल्दी देखो क्या आना चाहिए, ओके वही है एक्स वाई जेड ए बी सी वाला जो लॉजिक था ना, उसी लॉजिक को यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। आप देख सकते हो 121 दिखा, 121 दिखा, ठीक है, 121 के पहले 3 टाइम्स 1 है, 121 के पहले 0 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन में 1002 है, तो यहां पर अगर मैं 1 पुट कर दूं, फिर 011, फिर 121, ठीक है, अब फिर क्या है 0 0 1 1 1 2 1 फिर 0 1 1 1 2, देखो सीन मिल रहा है कुछ, 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2, फिर आएगा 1, यहां पर 1 है, पैटर्न मिल गया हमें पहले वाले से ही, दूसरा ऑप्शन सेट करने की हमें जरूरत नहीं थी। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक इसमें अप्लाई होता है, बहुत आसानी से हम लोग इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1 or 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय आवर 4 कंक्लूजंस 1, 2, 3 and 4, यू हैव टू कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स, यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ एनी फॉलो द गिवन स्टेटमेंट्स। यानी सिंपल, इसे हमें जजमेंट के वाले तरीके से सिलोगिज्म के सेशन में आप लोगों को बताया था ना
कि नॉर्मल जजमेंट वाले तरीके से इसका सिंपल वेन डायग्राम बना करके, एक क्वेश्चन ही आ रहा है, एक से दो क्वेश्चन, तो उसको आराम से हम लोग बना सकते हैं। और स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या दिया है, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, फिर क्या बोलता है, सम डॉग आर स्टोन्स, सम डॉग आर स्टोन्स, बस इतना सा ये दो ही स्टेटमेंट दिया हुआ। अब कंक्लूजन क्या पूछा है, वन नो कैट इज स्टोन, क्या कैट और स्टोन के बीच वेरिएशन है, नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा, ऑल डॉग्स आर स्टोन्स, ऑल डॉग्स आर स्टोन हो सकता है, नहीं, यानी दूसरा वाला भी गलत। तीसरे में देखते हैं, सम स्टोन आर कैट्स, स्टोन और कैट के बीच में रिलेशन है, नहीं, यानी तीसरा वाला भी गलत। चौथे में नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, चौथा भी क्या हो गया, गलत। अब चारों के चारों गलत तो हो गए, यहां पर हम रुकेंगे नहीं, यहां पर हमें तुरंत रुकना नहीं है, इसमें हमें फिर आगे और सोचना है। आप देख सकते हो डॉग और कैट करके कोई इंफॉर्मेशन था, देखो कैट और स्टोन करके है, नो कैट इज स्टोन दिया हुआ है और सम स्टोन इज कैट दिया हुआ है। बताया था ना मैंने कि आपका नो के साथ ऑल का कोई रिलेशन नहीं बनता, नो के साथ सम का रिलेशन बनता है, कैट स्टोन सेम सेम है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आइदर और का केस हो सकता है, तो आइदर और का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली वन एंड थ्री फॉलो, फिर दूसरे में दिया हुआ है टू एंड थ्री फॉलो, तीसरे में दिया हुआ है वन टू एंड वन थ्री एंड फोर फॉलो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आइदर और का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपका एक दिया हुआ है नन फॉलोस, तो आंसर आप यहाँ पर नन फॉलोस कर देंगे। एक्चुअल आंसर इसका आइदर वन और थ्री होना चाहिए, ठीक है, आइदर वन और थ्री होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो लास्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, नन फॉलोस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोस। एक्चुअल में इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड नहीं होता है विजय कुमार, यहां पर आंसर हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर इसका होगा आइदर वन और थ्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी देखिएगा, चलो बेटा जल्दी से एक क्वेश्चन बना दो, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ टुडे इज कोडेड एज यू क्यू ई सी जेड, ठीक है, चलिए, इफ टुडे इज कोडेड एज UQECZ, देखो साफ दिख रहा है यहां पर क्या हो रहा है, प्लस वन, यहां क्या हो रहा है, प्लस टू, यहां माइनस वन, फिर यहां प्लस टू, यहां माइनस वन, देखो टी प्लस वन यू, 20 प्लस 1 21, 15 प्लस 2 17, 4 प्लस 1, अच्छा प्लस वन है यहां पर, सॉरी, देखो यहां पर फिर से इसको देख लो, टुडे माइनस वन कर दिया मैंने, टुडे को लिखा गया यू क्यू ई सी जेड, यहां पर क्या है 20 प्लस 1 21, 15 प्लस 2 17, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 2 3, 25 प्लस 1 26, सिंपल है। तो सीरीज क्या चल रहा है, +1 +2 +1 +2 +1, है ना, तो यही काम हमें किसके साथ करना है, बिफोर के साथ करना है, तो बिफोर के लिए कोड क्या हो जाएगा, +1 +2 +1 +2 +1 +2, यहाँ एक एक्स्ट्रा चला गया, टुडे में 5 है और बिफोर में 6 है, तो आप सीक्वेंस क्या लेके चलोगे, +1 +2 +1 +2 +1 +2, तो बी प्लस वन सी हो गया, ई प्लस वन 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, सी जी जी, ठीक है, सी जी जी हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को आप क्लिक कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं ज्योति रंजन, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो किस तरीके से बनेगा, दो मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो,
Looking at the portrait of a man, Ram said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sister, I have none. यहाँ पर क्या बोलता है, चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, सॉरी एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, चित्र में एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक मैन है ना, तो चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, राम ने कहा, राम से क्या कहा उसने कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो आप बताएं कि whose portrait was Ram looking at? राम किस व्यक्ति के तस्वीर की ओर देख रहा था? Okay, BDC, BBC, निवास बी, संजना बी। Okay, देखते हैं सबको जल्दी से करने का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है? राइम हो गया सर, कोई बात नहीं। चलो, looking to a portrait of a man, एक मैन की तस्वीर है, यानी एक व्यक्ति की तस्वीर है, और राम कहता है his mother, यानी इस व्यक्ति की माँ, इस व्यक्ति की माँ, मैंने कहा था ना इस पे ब्रेक करने को, इस व्यक्ति की माँ कौन है, इस व्यक्ति की माँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इस व्यक्ति की माँ कौन है, क्वेश्चन मार्क है। अब उस क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा, द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, अब ऑफ में ब्रेक किए और लास्ट से पढ़ेंगे, क्या बोला है, माई फादर्स सन, My father यानी राम के फादर, और राम के फादर कौन, जो भी हो उनके फादर के सन कौन, राम खुद होंगे। अब राम सन ही क्यों होंगे, इस बात को समझो, ब्लड रिलेशन नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेहा पॉल, ब्लड रिलेशन का देखना हमने पहले ही वीडियो बना लिया है, उसको एक बार फिर से पढ़ो, कहीं दिक्कत होगी तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम के फादर का सन राम ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि राम ने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो नहीं, राम इकलौता है तो सन हो गया। अब इसकी वाइफ है, राम की वाइफ कौन है, इस मैन की माँ कौन है, राम की वाइफ है, तो मैन कौन हो जाएगा, ठीक है, मैन हो जाएगा राम, और राम की पत्नी का बेटा हो जाएगा कौन, वो मैन, राम और राम की पत्नी का बेटा कौन हो जाएगा, वो मैन हो जाएगा, राम और राम की पत्नी का बेटा कौन हो जाएगा, ये मैन हो जाएगा जिसके तस्वीर में देखी जा रही थी। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि वह किसकी तस्वीर है, तो ऑब्वियस सी बात है, राम और राम की पत्नी का बेटा, यानी राम का बेटा, तो हम बोल सकते हैं हिज सन, उसके पुत्र की तस्वीर है। चलिए, आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब अपना आता है नॉन वर्बल सेक्शन का एक क्वेश्चन। नॉन वर्बल वाले सेक्शन में बेटा क्या देखने को मिल सकता है हमें, उसे समझ लीजिए। नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहला पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग बोला है, ठीक है। चलिए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ अगले एक सप्ताह के अंदर आपका नॉन वर्बल का जो फिगर वाला पोर्शन है उसके वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जरूर देखना, उसे समझना कि पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के सेशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा पोर्शन है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे की सेशन को आप पूरा देख लोगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा नॉन वर्बल के क्वेश्चन को कैसे डील आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे क्या बोलता है, Find out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे अगर हम फोल्ड कर दें तो इसे फोल्ड करने पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन हमें दिख रहा है ना, इस डॉटेड लाइन पे इसको फोल्ड करेंगे तो आधा पत्ती, जो पेड़ की पत्ती होती है ना, उस पेड़ की पत्ती का आधा पत्ती इधर दिया हुआ है, आधा पत्ती इधर दिया हुआ है, इसको फोल्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये पूरा पत्ती बन जाएगा। अब इस पूरे पत्ती में ये कैसा पत्ती बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 डंडियां ऐसे गई, यहाँ 2 डंडियां ऐसे गई, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा तस्वीर हमें किसमें नजर आ रहा है, देख के बताओ, या तो हम इसे इधर फोल्ड कर सकते हैं या तो हम इसे इधर फोल्ड कर सकते हैं, इधर फोल्ड करेंगे ऐसा, तो अगर फोटो नहीं दिखा तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऐसा तस्वीर देखने को मिलेगा। अब ऐसी तस्वीर हमें कहां देखने को मिल रही है, ऐसी तस्वीर हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है। हम समझ सकते हैं कुछ लोगों को ये फोटो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल अगर हम इसे फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करते हैं तो ऐसा बनेगा, इधर फोल्ड करते हैं तो ऐसा बनेगा, और ऐसा इमेज हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो आप आसानी से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए सर जी, फिगर वाले क्वेश्चन में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है,
कोई बात नहीं पालन कुल, मैंने कहा ना इस वीक में मैं आप लोगों को डाल दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक है उसमें नॉन वर्बल का पूरा पूरा सेक्शन डाल दूंगा, उसे अच्छे से सीख लेना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर्स, जितने भी पोर्शन नॉन वर्बल के हैं उन सबको मैं डाल दूंगा वहां पर, देख लेना, अच्छे से उसको सीखने को मिल जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर काउंट करने वाला नहीं बनता है, पूजा शर्मा, फिगर काउंट करने वाला एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, रीजनिंग बाय साकेत सर करके देखना, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट दिया होगा उसमें काउंटिंग फिगर्स करके होगा, उस वीडियो को जरूर देखना, उसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी ही कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी जल्दी से देखेंगे। अब यहां पर देखो, इफ नेशनल कैन बी रिटन एज फलानवा देन हाउ इज डोमेस्टिक बी रिटन, अब नेशनल को अगर हमने फलानवा लिख दिया, फलानवा नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज लिटिल लर्न टॉप, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, लर्न टॉप ही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या है, L N A N T O I, यहाँ पर नॉर्मल सेम लेटर कोडिंग है, बताया था सेम लेटर कोडिंग में क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं, वो वाला ऑप्शन नहीं दिखा था, कोई बात नहीं। ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो नेशनल को किस तरीके से लिखा गया है, N A T I O, नेशनल, नेशनल को लिखा गया है L N A A N T O I। अब अगर आप देखोगे तो टी ओ आई, ये लिख रहा है टी ओ आई, इसको आप इस तरीके से मत देखो, सेम लेटर कोडिंग है ना, इसको आप ऐसे देख लो, ऐसे एन ए टी आई ओ एन ए एल, ठीक है। अब नेशनल को कैसे लिखा है, एल एन ए ए N T O I, ठीक है। अब T को कहां ले गया, नीचे, O को कहां ले गया, यहां, L को कहां ले गया, पहले में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दोगे, ठीक है। जब पैटर्न आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे, नंबरिंग कर दोगे, ये सबसे आसान तरीका बन जाता है। अब अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, L को कहां ले गया है, 8 नंबर को ले गया है 1 में, 8 नंबर को ले गया है 1 में। उसके बाद T, 3 नंबर है, 3 नंबर को कहां ले गया है, यहां पर, यानी आखिरी से तीसरे पोजीशन पर किसको ले गया है, T को ले गया है, आखिरी से तीसरे पोजीशन पर तीसरे अक्षर को ले गया, जो तीसरा अक्षर डोमेस्टिक में कौन है, M, तो आखिरी से तीसरे पोजीशन से M किस में है, आखिरी से तीसरे पोजीशन में M ऑप्शन नंबर B में है, M ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर A एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट हो गया। अब देखो कोई अलग सा कोई ऑप्शन है O, O कौन है, पांचवा अक्षर है, पांचवें अक्षर को आखिरी से दूसरे स्थान पर ले गया है, यहां पर पांचवा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 S है, S को आखिरी से दूसरे में किस में ले गया है, ऑप्शन नंबर B में ले गया है, तो ऑप्शन नंबर B ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, D भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब पैटर्न ढंग का नजर नहीं आ रहा हो तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, आंसर आपका कंफर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, इन द गिवन लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स एल अकर्स Which is in between T and Y? यहाँ पर बेटा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि T और Y के मध्य में L कितनी बार आ रहा है ना? ऐसा कितना बार हो रहा है कि T और Y के बीच में L आ रहा है, ठीक है। ओके शुभ्रता, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, बी टी एल वाई, यहाँ पर T और Y के बीच में हमें पूछा गया L, यानी हमें टी एल वाई क्लाई पता करना है कितनी बार है, टी एल वाई देखना हमें कितनी बार है, ठीक है। तो टी एल वाई कितनी बार है, देखो सबसे पहले टी एल वाई यहाँ लिखा एक, TLF है छोड़ दो, TLY 2, TLY 3, TLI, TLY, TLY, TLY 4, कितने बार हमें मिला, 1 2 3 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चलिए यहां पर आप देख सकते हो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस व्हिच कंप्लीट द सीरीज, यहां पर श्रृंखला को पूरा करने वाला दे रहा है, आप लोगों को इमेज नजर आ रहा है बच्चों, साफ साफ ये ऑप्शन में आपको इमेज साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें इमेज साफ साफ नजर आ रहा है,
चलो अगर नहीं भी नजर आ रहा होगा साफ साफ, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही होगी, ब्लैक वाला जो डॉटेड पोर्शन है, ब्लैक वाला जो डार्क पोर्शन है, उस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इसके रोटेशन हो रहा है, साउथ में था पहले, साउथ के बाद यहाँ आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट से बाद कहाँ आ गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो अगला रोटेशन के हिसाब से अगर हम लोग इधर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से अगला कहाँ आना चाहिए, नॉर्थ में आना चाहिए। अब नॉर्थ वाले में आप देखो किसमें है, ए में है और बी में है, ए में और बी में, ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी डी को एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया, सी डी को क्या किया हमने, एलिमिनेट कर दिया। बताया था मैंने लास्ट क्लास में सिलेबस के बताते समय कि किस तरह को डील आउट करना है, ठीक है। ओके, अब सी लो कंफर्म नहीं होगा, डी कंफर्म नहीं होगा। अब देखते हैं डी में क्या हो सकता है, इसमें आपको छोटा वाला क्रॉस नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो दो में क्रॉस है, यहाँ पर आपका दो में क्रॉस है, यहाँ पर आपका दो में क्रॉस है, इन दोनों में दो दो में क्रॉस किसमें है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ स्टार और यहाँ कुछ और है, सर्कल है, डी नंबर ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी नहीं होगा ए होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों का पिक्चर क्लियर नहीं होने की वजह से ये वाला क्वेश्चन को आप लोग गलत सॉल्व कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इस तरीके के क्वेश्चन को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। बता देना फिगर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, तो ये वही फिगर सीरीज का क्वेश्चन है कि ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, तो चौथा फिगर बेटा क्या होगा, यही आपको पता करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट जी पांच क्वेश्चन और जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चित्र वर्गीकरण का प्रश्न है ना, फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और फिगर क्लासिफिकेशन में क्या आंसर हो सकता है उसको देखेंगे। यहाँ पर चार फिगर ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें चारों एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार संबंधित है, और एक ऐसा फिगर है जो कि इन चार में से बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ सेमी सर्कल अलग अलग जगह पर है, यहाँ यहाँ सेमी सर्कल अलग अलग जगह पर है, यहाँ यहाँ सेमी सर्कल अलग अलग जगह पर है, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है, इस वजह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी कंफर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो इसको मैं एक बार फिर से बोर्ड पर ड्रॉ कर देता हूं, अगर आप लोगों को नजर नहीं भी आ रहा है तो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, एक एक दो तीन पांच आठ, एक दो तीन पांच आठ, यहाँ पूछा अगला क्या होगा, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ओके, यहाँ एक है, एक के बाद क्या हो बेटा, दो हो गया, एक के बाद क्या हो गया, दो हो गया, एक एक के बाद दो, कैसे नहीं होगा, एक के बाद दो, एक और दो अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, तीन होगा, दो और तीन जोड़ोगे तो क्या होगा, पांच होगा, तीन और पांच जोड़ोगे तो क्या होगा, आठ होगा, तो आठ और पांच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तेरह होना चाहिए। अब ये तेरह कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, समझ में आई बात, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आप देख सकते हो, मैंने बताया था आप लोगों को लॉजिकल ब्रेन डायग्राम जो प्रश्न पूछा गया है, जो मार्च में 17, 18 एवं 19 तारीख को जो शिफ्ट हुए थे एसएससी सीएचएसएल के, उन तीनों परीक्षाओं में वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा गया था। अब वो कुछ किस प्रकार के प्रश्न थे, वो इस प्रकार के प्रश्न थे, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं, अरे नेहा का नेहा नेहा पॉल हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, सूरज चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोला है, डॉक्टर पेशेंट ह्यूमन बींग, डॉक्टर पेशेंट ह्यूमन बींग क्या होगा, जल्दी से बताओ, डॉक्टर पेशेंट ह्यूमन बींग, किसी का बी आ रहा है और क्या रहा आंसर, जल्दी ए ए ए ए ए ए क्यों होगा, सोच के देखो यार, डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो, डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो, ह्यूमन बींग तो होगा ना, डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो वो ह्यूमन बींग तो होगा ना, तो ये तो तय है कि ह्यूमन बींग के अंदर ही
ह्यूमन बीइंग के अंदर ही डॉक्टर और पेशेंट आएगा। और मैं मान लो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ठीक है, मान लो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और दिन भर में इलाज करता रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो देन आई बिकम अ पेशेंट, ठीक है, देन आई बिकम अ पेशेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, डॉक्टर अलग हो गया और पेशेंट अलग हो गया। डॉक्टर जब तक बीमार नहीं है तब तक वो पेशेंट नहीं है, और बीमार हो गया तो वो पेशेंट बन गया। डॉक्टर खुद अपनी इलाज नहीं करेगा, मैं अपना सर्जरी खुद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर कंफर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर जी। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन फिगर है और करना क्या है आपको, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब इसको आपको बंद करना है, ठीक है, अब बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखो ये जिगजैग ऐसे जेड बना, यहाँ पर जिगजैग हमें ऐसे जेड बनाना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा वाला ट्रायंगल हमें कहाँ मिल रहा है, ऐसा वाला ट्रायंगल हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी सेशन, ये आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो पहले एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को पहले फोल्ड किया गया आधे में, फिर इसको त्रिकोणीय तरीके से आधा एक कोना इधर फोल्ड किया, एक कोना इधर फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद, एक फोल्ड करने के बाद इस ट्रायंगल को फिर पूरा आधा और फोल्ड कर दिया, तो लास्ट में छोटा ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर तीन डॉट्स दिख गए, अब ये यहां पर तीन डॉट्स दिख रहे हैं, तो इधर खुलेगा तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, एक दो तीन डॉट बना है ना। अब फिर क्या होगा, इसको ऊपर की ओर खोलना है, ऊपर की ओर खोलने के पहले ये वाला फोल्ड खोलना है, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो इसका मिरर इमेज कहां, यहां ऐसा बनेगा। अब आप देख सकते हो ऊपर खोलने के पहले ये डबल डबल तीन तीन डॉट वाला सेक्शन कहां दिख रहा है, डबल डबल वाला तीन तीन डॉट वाला सेक्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर आपका कंफर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यस और नो। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हाँ है ना, ए इज द राइट आंसर सुब्रता, बहुत अच्छे। चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने आज इस तरीके से सेशन सीख लिया, और आज शाम में 7 बजे का आपका अरेंजमेंट का और पजल्स का क्लास है, ठीक है। आज का सेशन कंप्यूटर जी बहुत जल्दी खत्म कर दिए, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं खत्म किए, क्वेश्चन सिंपल थे, मैंने बहुत ज्यादा एलोबोरेट कर दिया, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन को हम लोग फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और आप लोग जल्दी से जल्दी आज शाम वाले सेशन में ट्यून जरूर रहना, आज का सेशन शाम वाला अच्छा, आज का क्वेश्चन बहुत मस्त था, इजी था तो मस्त तो रहेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, जब नहीं बनता है तो मूड खराब हो जाता है क्या। चलिए तो आज हम लोग शाम में 7 बजे फिर मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के सेशन में। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नहीं सर बहुत गंदा लगा, मेरा बिगड़ गया है ना रीजनिंग, हाँ हाँ निवास हम समझ सकते हैं, तुमको भी इधर उधर ध्यान लग रहा है, ध्यान करा कहाँ है हमको पता है, ठीक है, थोड़ा कम टेंशन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपका सेशन है, जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं करवाना चाहता हूँ, ताकि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए। सर इवनिंग में तो नेट नहीं चलता है तो क्या करें हम, ठीक है, हम क्या करें, नेट नहीं चलता है तो हम क्या करें बताओ। आप रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना ना, सेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्या बोले, बोलो बोलो, क्या बोलना है पाल मुकुंद, बोलो, ओके देन, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।